माय नेम इज़ शिवाली एंड ही इज़ माय हस्बैंड धीरज। मैं हूँ अभी इस टाइम हीलिंग हॉस्पिटल सेक्टर 34 चंडीगढ़, और मैं खुद भी चंडीगढ़ से ही बिलोंग करती हूँ। आई हैव टू डॉटर्स बिफोर और नाउ आई ब्लेस्ड विद बेबी बॉय ऑन 18 को आई थी हॉस्पिटल में, तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से मुझे डिलीवरी 19 को मैम ने सजेस्ट किया डॉक्टर एक कावली, और मैं 8 मंथ में ही इस हॉस्पिटल में आई थी थ्रू फेसबुक। मैंने फेसबुक ऐड देखा था मैम का, और जब मैं फर्स्ट टाइम डॉक्टर ए काबली से मिली आई वाज फील वेरी गुड एंड फील वेरी शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट। मुझे डर नहीं लगा, मुझे लगा कि मैं इनसे अपनी सर्जरी करवा सकती हूँ वेरी इजीली। तो मतलब आई टोटली हैंड ओवर माई सेल्फ टू हर, और शी इज़ वेरी गुड डॉक्टर। उन्होंने इतना अच्छे से मेरी केयर करी ना OT में भी और ड्यूरिंग एवरी मीट। I feel very good. Every time I feel very more confident with her. उसके बाद निकू स्टाफ इज़ वेरी गुड। मतलब मॉर्निंग शिफ्ट नाइट शिफ्ट दे कम बिफोर माई कॉल। प्रभजीत मैम जिन्होंने पीडियाट्रिशियन डॉक्टर हैं जो यहाँ पर, शी वॉज ऑल्सो वेरी गुड। उन्होंने बेबी की इतने अच्छे से टेक केयर की है, और मतलब इतना अच्छे से हमें एक एक चीज़ डिटेल में बताई है कि हमें खुद कुछ पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। उन्होंने बहुत अच्छे से सब कुछ ब्रीफली हमें एक्सप्लेन किया है। नर्सिंग स्टाफ और हेल्पर सब इतना अच्छे से टेक केयर किया ना, आई कांट एक्सप्लेन दैट। मतलब माय एक्सपीरियंस वाज टू गुड। इससे पहले मेरी 2 डॉटर्स हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट हॉस्पिटल्स में हुई हैं, लेकिन जो ये एक्सपीरियंस है ना आई कांट मतलब एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ मैं। आप लोगों को वो एक्सपीरियंस लेना ही चाहिए यहाँ पर आकर, अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है तो। कोई भी मेरी नज़र में मतलब डिलीवरी के लिए कोई रिलेटिव होगा, कोई पेशेंट होगा, तो मैं सबको हीलिंग हॉस्पिटल का ही सजेशन दूंगी। एट द एंड आई रियली थैंकफुल टू हीलिंग हॉस्पिटल स्टाफ, डॉक्टर एकावली, डॉक्टर प्रभजीत मैम और निकू स्टाफ एंड ऑल नर्सिंग स्टाफ एंड ऑल हेल्पर्स ऑल्सो।